शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके जन्मदिन के अवसर पर जिले के पालक मंत्री संजय राठौर के मार्गदर्शन में दिग्रह शिवसेना की ओर से कुपोषित तथा अनाथ बालकों के लिए दूध प्रोटीन पाउडर सहित विटामिन युक्त औषधि का वितरण किया गया। शहर के राष्ट्रमाता जिजाऊ सांस्कृतिक भवन में शनिवार को सम्पन्न हुए इस कार्यक्रम में तहसील की आंगनबाड़ी तथा आशा स्वयं सेविकाओं के माध्यम से उपरोक्त सामग्री का वितरण किया गया। मालूम हो कि हर साल इस साल कार्यक्रम का आयोजन उत्साह के साथ किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते इस कार्यक्रम के आयोजन में देरी हुई। कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम काबिले तारीफ रहा। बहरहाल इस कार्यक्रम में शिवसेना के तहसील प्रमुख उत्तम राठौड़, नगरपालिका उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे, रविंद्र गादेवार, सुधीर देशमुख, राजकुमार वानखड़े, विष्णु कंडे, नगर सेवक केतन रत्न पारखी, संजय कुकड़ी, दिवाकर राठौर, मिलिंद मानकर, विनायक दुदे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। शिवसेना पक्ष प्रमुख तथे महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वनमंत्री आमदार संजय भाऊ राठौर यांच्यातर्फे मागील 14-15 वर्षापासून कुपोषित बालकांना औषधी व सतस्त आहार याच्या किट दिल्या जाते आणि यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे हा कार्यक्रम पोस्टपोन करण्यात आला होता। परंतु दरवर्षीची ही जी संजय भाऊ राठौर येतात तर हा कार्यक्रम यावर्षीसुद्धा सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून जिजाऊ हॉल येथे अंगणवाडीका सेविका यांच्या मार्फत त्या कुपोषित बालकांना वाटप त्यांच्या घरोघरी करण्यात येणार आहे।